अरे यार तगादार हो उस यार की ऐसी देसी। बोले भगवान कन्हैया रुक्मिणी चिंता मत करना, सुनो यार तगादार हो उस यार की ऐसी देसी। तोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी, तोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी। तो तलवार की ऐसी जैसे कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी जैसे। यार लगातार होशियार की ऐसी जैसे कोई कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी जैसे। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे, चिंता मत करो। आप ऐसा करना, एक खत हमारे लिए भेज देना, मैं तुम्हें जरूर लेने के लिए आऊंगा। इतना कहने के बाद में श्याम सुंदर सपने से दूर चली गई। रुक्मिणी की आंखें खुली हैं। जिस समय रुक्मिणी की आंखें खुली तो चारों तरफ भागने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, श्याम श्याम। भगवान श्याम सुंदर सपने में आए थे, दूर चले गए। रुक्मिणी चारों तरफ देख रही है, अभी तो हमारे श्याम मेरे पास थे, कहाँ चले गए गिरधारी, हे मोहन, हे कन्हैया कहाँ चले गए तुम। रुक्मिणी चारों तरफ देख रही है। रुक्मिणी रोने लगी बैठ करके, जब भगवान कन्हैया नहीं मिले तब तक एक ब्राह्मण देव आए, आवाज लगाई है द्वार पे माता भिक्षा नहीं। रुक्मिणी रो रही थी, ब्राह्मण देव जी ने देखा रुक्मिणी। हाँ बाबा जी, बड़ा उदास बैठी हो, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बताएं बाबा जी, हमारे दिल की ना पूछो। क्या हो गया बेटी, हमारे साथ में सोकाओ के संग बनाए हो तो क्या बात है, तुम तो राजा की बेटी हो, फिर क्यों निराश हो। तबे तो हम सबसे ज्यादा दुखी, क्यों ऐसा क्या है। अगर राजा की बेटी ना होती, काउ गरीबी घर में जन्म लो हो तो हमारे साथ हमें ऐसा ना हो तो। कैसा हो रहा है तुम्हारे साथ में, बहुत अनर्थ हो रहा। क्या हो रहा, हमारो भैया अपने साले के साथ में शादी कर तो है, अपने साले के साथ में। हाँ महाराज, ये तो बड़ा शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। तुम्हारा भाई पागल है क्या, पागल है, बहुत पागल है। तुम करना नहीं चाहती हो, हाँ तुम कहीं दूसरी जगह करना चाहती हो क्या बाबा जी। हाँ सही बात है, किसके साथ में बताएं, भगवान कन्हैया के साथ में। तो कन्हैया कहाँ रहते हैं, द्वारिका में। और तुम्हारा भैया तुम्हारी शादी वहां नहीं कर रहा है, अपने साले के साथ में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कन्हैया तो बहुत दूर रहता है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी बेटी। नहीं महाराज, ऐसी बात ना कहो बाबा जी। तो कैसे शादी हो जाएगी बताओ, अगर शादी ना हुई तो हम मर जाएंगे। मर जाओगी, हाँ। क्यों क्यों, चेहरा खा ले, इतना प्रेम करती हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, क्या किया जाए बेटी। महाराज जी, हाँ हाँ, एक मेरा काम कर दोगे, बता बता, छोटा सा। हाँ हाँ बता। आप द्वारिका चले जाए, हम द्वारिका, हाँ
अरे इतनी दूर द्वारिका, हमारे ऊपर चौथी अवस्था है, पागल हो गई हो क्या? नहीं बाबा जी, तुम चले जाओ, मेरा एक पत्र लेकर चले जाओ, भगवान कन्हैया को दे देना, वो सुनते ही चले आएंगे। पत्र कन्हैया को? और का, अगर कहीं तुम्हारे भैया ने जान लिया तो कुछ नहीं होगा महाराज जी, चले जाओ, तुम जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं महाराज जी, चले जाओ। अब वैसे भी हम वापस नहीं आ पाएंगे, तब तक तो इतनी दूर द्वारिका है, मैं नहीं जा सकता। चले जाओ बाबा जी, आपको हम सिरप दे देंगे, पिए चले जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊँ। चले जाओ बाबा जी, नहीं जाओगे तो हम मर जाएंगे। ए रुक्मिणी, बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं बाबा जी, अगर इतना ही जाइयो तो सुन ले बाबा जी, हाँ हम जहर उखाई ले, फांसी लगाई ले, जाओ दुनिया बनाए रही। रुक्मिणी, अगर तुम इतना प्रेम करती हो तो इतनी जिद कर रही हो, जरूर जाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ बाबा जी, बहुत सही। खत लिखो। खत लिखे? हाँ ठीक है बाबा जी, ठीक ठीक, बहुत सुंदर। उसी समय रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखा और खत में ये लिखा, श्याम सुंदर, मैंने आपसे बहुत प्रेम किया है और हमारा भैया अपने साले के साथ में विवाह कर रहा, अगर तुम इस खत को सुनते ही नहीं आए तो मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा, मैं अपने भैया के साले शिशुपाल के साथ में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। खत में लिख दिया, वो खत ब्राह्मण देव को दे दिया, बूढ़े से ब्राह्मण देव अब द्वारिका के लिए चले। जब द्वारिका के लिए चले, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक इन्होंने बगीचा देखा, बहुत सुंदर बगीचा, उस बगीचे में ब्राह्मण देव विश्राम करने लगे, विश्राम, और मन में सोचने लगे,